हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपने नए वीडियो के साथ आ चुके हैं क्लास बहादुर एनओएस सेकेंडरी वन चैप्टर वन। बहादुर उस बच्चे की कहानी जो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पड़ोसी देश है उस नेपाल का रहने वाला बच्चा है। खूब खेलता है, खूब कूदता है, कभी पेड़ पर चढ़ जाता है, कभी नदी में छलांग मार देता है। लेकिन उसकी माँ चाहती है कि वो घर का काम करे, और वो तो बच्चा है, वो चाहता है कि वो खेले कूदे। आपका भी ये मन करता होगा कि भाई मम्मी पापा बार बार कहते हैं ये पढ़ो, ये करो, वो करो, और आपका मन तो कहीं बाहर लगा होता है। कोई गुल्ली डंडा खेल रहा होता है, कोई क्रिकेट खेल रहा होता है, और आपका मन वहां लगा रहता होगा। आपका मन करता होगा टीवी देखने का, आप स्वच्छंद रहना चाहते होंगे। वो बच्चा भी स्वच्छंद रहना चाहता था। तो एक दिन उस बच्चे को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसकी माँ रोज कहती थी भैंस चरा के आओ, भैंस चरा के आओ। उनकी माँ को बहुत गुस्सा आया उस बच्चे की माँ को, और वो बहुत डंडे से उस बच्चे ने पहले तो उस भैंस को पीटा। उसकी माँ को पता चल गया, पता नहीं कैसे वो भैंस घर पे वापस लौट आई समय से पहले, और उसने अपने बच्चे को बहुत पीटा। अब हुआ ये कि वो बच्चा बहुत निराश हो गया, बहुत दुखी हो गया, तो वो भागा घर से। लेकिन रात में चुपके से लौटा, और उसकी माँ एक हड़िए में पैसा रखती थी, उसमें से 2 रुपए उसने निकाले, और वो भाग के एक बस अड्डे पर गया जो पास का बस अड्डा था, और वहां से एक बस खुल रही थी जो गोरखपुर जा रही थी। उसको क्या पता है कि गोरखपुर क्या है, वो उस बस में बैठ गया। बस गोरखपुर पहुंची, वो उस बस से उतरा। अब इस बच्चे के साथ क्या होना होने वाला है, ये तो आपके मन में ये उत्कंठा हो रही होगी, जिज्ञासा पैदा हो रही होगी। यही है कहानी की विशेषता कि आगे क्या होगा। वह कहानी सबसे अच्छी होती है जिसमें कौतूहल पैदा करने की शक्ति क्या, आगे क्या होगा। तो फिर एक व्यक्ति मिलता है, और वो व्यक्ति उसको अपने एक रिश्तेदार के पास ले जाता है। पहले वो पूछता है उससे कि तुम कहां से आए हो, वो अपनी सारी दास्तान सुनाता है। वो भी समझता है कि गरीब बच्चा है, और रिश्तेदार के यहां जब ले जाता है तो उनकी तो बांछे खिल जाती। बांछे खिलना मतलब बहुत खुश हो जाना, बहुत खुश हो जाते हैं वो, क्योंकि एक नौकर मिल गया है उनको काम करने वाला। अब अपने हाथ से काम नहीं करना पड़ेगा, मालकिन भी बहुत खुश होती है। एक मालिक है, उसका बच्चा भी बहुत खुश होता है, बेटा किशोर भाई का बेटा है, सब खुश होते हैं, उसका बड़ा स्वागत करते हैं, उसको रोटी खिलाते हैं और तरह तरह से उसे लुभाते हैं। चल पड़ा काम अपना, साहबजादे जी सुबह उठे और उनको पानी का ग्लास भी दे रहा है, और नाश्ता भी दे रहा है, और जूते भी साफ कर रहा है, और जब बाहर निकले तो उनकी साइकिल भी साफ कर रहा है, रोटी भी बना रहा है, खाना भी बना रहा है। एक दिन उससे छोटी सी चूक हो जाती है कि वो साइकिल नहीं पहुंच पाता है साहबजादे की, और उस पर साहबजादे उसे पिटाई लगा देते। लेकिन वो हंसता रहता है, खूब हंसता रहता है। लेकिन धीरे धीरे पूरे परिवार की जो दृष्टि है, जो रवैया है, वो बदलता चला जाता है, और उस बहादुर को लोग डांटने लगते हैं। तो वो बड़े आराम से लोगों की डांट सुन लेता है, उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आता, बड़ा हंसमुख लड़का है। कहानी के कुछ मार्मिक प्रसंग होते हैं कि जब उसकी मालकिन ये कहती है कि आज से मैं तुम्हारे लिए रोटी नहीं बनाऊंगी, रोटी तुम्हें खुद बनानी पड़ेगी। तो अगर रोटी उसे सबके लिए खुद बनानी पड़ती तब तो ठीक था, लेकिन वो बड़ा दुखी होता है उससे। और एक दिन तो इंतहा ही हो जाती है, उसके कोई रिश्तेदार आते हैं और वो कहते हैं कि हमारा पैसा चोरी हो गया। आप ये देखिए, ये एक मध्यवर्गीय परिवार है, और जब किसी मध्यवर्गीय परिवार में कोई पैसा चोरी हो जाए, उस घर में अगर नौकर हो, दाई हो, नौकरानी हो, तो उसी पर शक जाता है। तो सबसे पहली बात यह है कि उसको बहुत दुख होता है, और इससे ज्यादा दुख उसको ये होता है उसका जो मालिक है वो उसे पीटता है, तो वो घर छोड़कर भाग जाता है। बहुत पछताते हैं लोग, खोजते हैं, पछताते उछताते कुछ नहीं है वो लोग,
स्वार्थ है उनका कि अब घर का काम कौन करेगा। तो ये कहानी है। अब इसके बाद ये नहीं पता चलता है कि बच्चा कहाँ गया। आइए कहानी के सारांश को वीडियो के माध्यम से देखते हैं। बहादुर एक 12-13 वर्ष के लड़के की कहानी है। बहादुर नेपाल और बिहार की सीमा में पड़ने वाले किसी गांव का रहने वाला है। कहानी के आरंभ में वाचक उसका चित्रात्मक वर्णन करता है। बहादुर के पिता सेना में थे, उनकी मृत्यु हो चुकी है। बहादुर अपनी माँ का इकलौता सहारा है, पर उसका मन काम में नहीं लगता। वह बच्चा है इसलिए बच्चों जैसी शरारतें करता है। इस पर उसकी माँ उसे पीटती है और वह घर से भाग जाता है। बहादुर को नौकर के रूप में वाचक का साला वाचक के घर लेकर आता है। वाचक का परिवार मध्यवर्गीय है। इस परिवार वाचक की पत्नी निर्मला के अतिरिक्त इनका एक पुत्र किशोर और एक लड़की है। किशोर बहादुर की उम्र के आसपास का ही है। मध्यवर्गीय परिवारों में बहुत सी चीजें दिखावे के लिए लाई जाती हैं। इस परिवार में भी बहादुर दिखावे की चीज है। शुरू शुरू में निर्मला उससे बड़े स्नेह से रखती है। बहादुर भी खूब मेहनत से घर के काम हंसते हंसते करता है। किशोर घर का बिगड़ैल लड़का है और वह बहादुर को मारता पीटता है, साथ ही गालियां भी देता है। उसे वाचक और निर्मला में से कोई नहीं रोकता। आगे चलकर निर्मला भी पड़ोसिन के बहकावे में आकर बहादुर की रोटियां बनाना छोड़ देती है। एक दिन वाचक के एक रिश्तेदार का परिवार वाचक के घर आया और उसने बहादुर पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया, जबकि बहादुर बहुत ईमानदारी से काम कर रहा था। इस दिन वाचक और उसकी पत्नी दोनों बहादुर को पीटते हैं। शाम को वाचक जब लौट कर घर आता है तो देखता है कि अंगीठी अभी जली नहीं है। आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मले रखे हुए थे। वाचक की पत्नी उसे खबर देती है कि बहादुर भाग गया। इसके बाद पूरा परिवार बहादुर के प्रति अपने व्यवहार और उसे पीटने पर पछताता है। ये कहानी हिंदी के एक प्रसिद्ध रचनाकार अमरकांत की कहानी और इस कहानी का शीर्षक है बहादुर और इस लड़के का नाम भी बहादुर है। अब देखिए कहानी मैंने आपको सुना दी तो चलिए एक कदम और बढ़ते हैं। अब कहानी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहानी तो है लेकिन इस कहानी का कथा वस्तु क्या है, इस कहानी में पात्र कैसे हैं, इस कहानी में चरित्र चित्रण कैसे किया गया है, इस कहानी की भाषा कैसी है। किसी कहानी को लेकर पढ़ने बैठते हैं या उसको समझने की कोशिश करते हैं तो ये कुछ चीजें हैं जो कहानी को समझने के कुछ औजार हैं और इन औजारों के जरिए हम इन कहानी को समझने की कोशिश करेंगे और इस कहानी की बारीकी को समझने की कोशिश कि क्या क्या इस कहानी में बारीकियां हैं। सबसे पहले हम कथा वस्तु की बात करते हैं। जब किसी कहानी में कोई कथा आती है तो उसका संबंध कथा वस्तु से होता है और कथा वस्तु में कथा के अलावा उसमें कई घटनाएं होती हैं। उस कथा में उसमें कई प्रसंग होते हैं। उसमें जैसे कहा भी गया है कि वो कहानी सबसे अच्छी होती है जिसमें कई मार्मिक प्रसंग हो। तो इसमें जो मार्मिक प्रसंग है वह है बच्चे का घर से छोड़कर भागना। आप भी जब सड़क पर जाते होंगे और जो ट्रैफिक सिग्नल्स आते हैं उसमें भी आपने देखा होगा कि कई बच्चों को भीख मांगते हुए, जिनका घर द्वार नहीं है, जिन्हें खाने को नहीं मिलता है और उनका बचपन पता नहीं है या नहीं है, वो बचपन का मतलब भी जानते हैं या नहीं जानते, उन्हें तो एक ही चीज सताती है, भूख। उस बच्चे को भी भूख सताती है। वो एक जगह नौकरी करने लगता है और उसके बाद एक के बाद एक घटनाएं होने लगती हैं। ऐसे बच्चों की संख्या भारत में बहुत है जो स्कूल नहीं जा पाते हैं और बहादुर ऐसा ही बच्चा है, घर से भागा हुआ और एक ऐसे परिवार मध्यम वर्ग परिवार के बीच में वो चला जाता है नौकरी करने के लिए, जहां मध्यवर्गीय परिवार की जितनी भी विशेषताएं या कमियां हो सकती हैं वो उस परिवार में है। मध्यवर्गीय परिवार की जो सबसे बड़ी सीमा होती है वो सीमा होती है कि वो दिखावे में बहुत विश्वास करता है। अब हमारे पास एक नौकर है, क्योंकि हमारे रिश्तेदार के पास भी एक नौकर है इसलिए हमारे पास भी एक नौकर होना चाहिए, तो वो दिखावा। उसके बाद दूसरा
कि नौकर तो आपने रख लिया लेकिन आप उसे मानवीय व्यवहार उसके साथ नहीं कर पाते, वह भी मनुष्य है, या आप स्वीकार नहीं कर पाते। तो सबसे बड़ी बात है कि मध्य वर्ग का जो ये चौंचलापन है, आसपास भी आप देखते होंगे कि लोग बढ़ चढ़कर अपनी तारीफ करते हैं, और यदि किसी के घर नौकर है और वो भी पूरे दिन का नौकर, तो वो अपने को बड़ा समझते हैं कि हमारे पास एक नौकर है। तो ये सारी विडंबनाएं, ये सारी दिक्कतें इस परिवार के साथ हैं। और अमरकांत जी ने इस बात को बड़ी ही बारीकी से दिखाया है। अमरकांत जी की एक और कहानी है जिसको अगर जरूरत पड़े तो आपको पढ़ना चाहिए, वह है रजुआ। उसमें भी एक भिखारी का चित्रण है। अमरकांत एक ऐसे कहानीकार है जो ऐसे ही पात्रों की संवेदनाओं से हमें परिचित कराते हैं, और जब ऐसे पात्रों की संवेदनाओं से हम परिचित होते हैं तो हमारी संवेदनाएं भी विकसित होती हैं। कोई भी कहानी जब हम पढ़ते हैं तो उससे सबसे ज्यादा क्या होता है, हमारी संवेदनाएं विकसित होती हैं, हम मनुष्य को मनुष्य समझने लगते हैं। और कहानी का यही उद्देश्य होता है। आपने पंचतंत्र के बारे में जरूर सुना होगा कि किस तरह से राजा के लड़के बड़े शैतान थे, लेकिन उन्हें शिक्षित किया गया, उन्हें बुद्धिमान बनाया गया, उन्हें सामाजिक बनाया गया कहानियों के माध्यम से, पशु पक्षियों की कहानियों के माध्यम से। ये कहानी जो आप अभी मुझसे सुन रहे हैं, उस कहानी का उद्देश्य यही है। हर एक कहानी का एक उद्देश्य होता है, जिसे आप प्रतिपाद्य भी कहते हैं। तो इस कहानी का क्या उद्देश्य है? इस कहानी को पढ़ने के बाद आपके मन में कुछ प्रश्न पैदा होते होंगे। जैसे एक प्रश्न ये पैदा होता है कि हम घर घर जाके देखें, उन बच्चों के पास जाके देखें, उनके संवेदनाओं को समझने की कोशिश करें, उनके भावों को समझने की कोशिश करें कि वो बच्चे क्या सोचते हैं। देखिए, पूरे विश्व में बच्चों को लेकर एक आंदोलन सा फैला हुआ है। अभी नोबेल पुरस्कार मिला कमल सत्यार्थी को, बच्चों के बचपन को बचाने के लिए वो काम कर रहे हैं। और ये कहानी भी बच्चों के बचपन को सामने रखती है कि किस तरह से बच्चों का बचपन समाप्त हो जाता है, कुचल जाता है केवल पेट की खातिर। जो इस कहानी का जो ये भाव है, उसके भीतर से जो हमें एक प्रेरणा मिलती है, वो एक महत्वपूर्ण प्रेरणा है। दूसरा जो महत्वपूर्ण पक्ष होता है कहानी का, वो होता है कि उसमें पात्र कौन कौन से। तो इसमें मुख्य रूप से एक मालिक का लड़का और एक मालिक की पत्नी, लेकिन केंद्र में है बहादुर, छोटा सा बच्चा, और उसी को केंद्र में रखकर ये कहानी लिखी गई है। तो कह दीजिए ये कहानी का नायक है, कहानी का मुख्य पात्र है, कहानी का केंद्रीय पात्र है, और उसी के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। और उसके माध्यम से निश्चित रूप से जो बहादुर का चरित्र विकसित होता है, बहादुर एक स्वाभिमानी बच्चा है, बहादुर एक ईमानदार बच्चा है, बहादुर एक संवेदनशील बच्चा है। सबसे बड़ी बात है कि बहादुर बच्चा है, और सभी बच्चों में ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। वो खिलखिलाता है, जैसे फूल को खिलते हुए आपने देखा है ना, वैसे ही वो खिलखिलाता है, और उसका खिलखिलाना ही उसके बचपन को बचा के रखे हुए। जब रात में वो सोने जाता है तो वो पहाड़ी गीत गाता है, लेकिन हाय रे हमारा समाज, हाय रे हमारा मध्य वर्ग, उसे भी वो नुमाइश बनाना चाहते हैं कि कभी भी बच्चे को नुमाइश की चीज न बनाएं। आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि बच्चे की मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये कहानी एक बाल मनोविज्ञान को प्रदर्शित करने वाली भी कहानी है। बच्चा कैसे विकसित होता है, बच्चे को समझने की कोशिश कि वो बच्चा अपने बचपन को बराबर बचाए रखने की कोशिश कर रहा है। कभी नीम के पेड़ पर चढ़ के दर्पण तोड़ के ले आता है, उसको एक थप्पड़ लगा भी देते हैं तो खिलखिलाता रहता है, लेकिन वो भी मनुष्य है, इसलिए उसके भीतर एक स्वाभिमान तो है। इसलिए
जब उस पर चोरी का इल्जाम लगाया जाता है या जब उसकी मालकिन कहती है कि नहीं तुम्हारी रोटी हम नहीं बनाएंगे, तो उसे धक्का लगता है और उसका स्वाभिमान तब चूर चूर हो जाता है जब उस घर का मालिक उसे पीटता है, जब मारता है, तो जो आलंबन है जिसको पकड़ के वो बैठा हुआ है वो उसे चरचराता हुआ टूटता हुआ महसूस होता है और वो बेचारा भड़भड़ाकर गिर पड़ता है। लगता है कि जो आसरा है वो आसरा टूट गया। एक बार वो मां का घर छोड़कर भागा था, दूसरी बार वो जहां नौकरी कर रहा है वो घर छोड़कर भागता है। संवेदनशीलता है उसमें, वह खुश होता है, वह दुखी होता है। लोग उसके दुखी होने को, उसके सुखी होने को समझ नहीं पाते। केवल स्वार्थ है उनके भीतर कि ये लड़का है, ये नौकर है, ये हमारे यहाँ काम करेगा और जब काम करेगा तो हमें सुख मिलेगा, बस इसी से चिंता है और हमारी शान बढ़ेगी। तो ये दो चीजों पर हमने अभी चर्चा कर ली, कथा वस्तु पर और पात्र पर। लेकिन कुछ और पात्र हैं, लेकिन वो पात्र बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो उस घर का लड़का है, उस घर की मालकिन है या मालिक है, वो बस एक मध्यवर्गीय परिवार की जितनी भी सीमाएं हो सकती हैं उन सीमाओं को चित्रित करने के लिए इस कहानी में उन पात्रों को रखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हाथ से काम करने को हम छोटा क्यों माने, कर्म करने को छोटा क्यों माने। और ये मध्य वर्ग की सबसे बड़ी विडंबना है कि उसके पास साधन कम है लेकिन दिखावटीपन बहुत ज्यादा है। एक बड़ी अच्छी कहानी है इशबाल की, पर्दा। तो वो जो पर्दा मध्य वर्ग ओढ़ कर रखता है उसी को दिखाने के लिए ये पात्रों का निर्माण हुआ है। स्वार्थी, दूसरों की चिंता न करना, केवल अपनी चिंता करना। आज का भी जो मध्य वर्ग है आप देखिए, गरीब माँ बाप ने आपको पढ़ाकर भेजा है लेकिन आप माँ बाप को भूल गए। तो ये जो मध्य वर्ग की जो पूरी की पूरी बनावट है, केवल अपने बारे में सोचना, केवल अपने परिवार, एकल परिवार के बारे में सोचना, ये मध्य वर्ग की बहुत बड़ी कमजोरी है और यही भागम भाग भी पैदा करती है मध्य वर्ग के बीच। तो इन पात्रों के माध्यम से ये मध्य वर्ग का जीवन सामने आ रहा है। अब कहानी के बारे में जब बात करते हैं तो परिवेश, देश काल, इनकी भी चर्चा होती है। ये सारी घटनाएं जो घट रही हैं वो किसी एक परिवेश में घट रही हैं। तो एक मध्यवर्गीय परिवेश है, एक शहर है जहां ये मध्य वर्ग का परिवार रहता है, उस परिवेश में ये घटना घट रही है। और ये ऐसा परिवेश है जो पहले तो उस बच्चे के लिए बहुत ही सुखद है, जहां उसका स्वागत होता है, लेकिन धीरे धीरे जो मध्य वर्ग की जो चिंताएं हैं, जो मध्य वर्ग की जो कुंठाएं हैं, वो उभर कर सामने आती हैं और अंततः वह बहादुर लगातार कष्ट में पड़ता चला जाता है। हम भाषा की भी बात कर ले, क्योंकि कहानी का निर्माण भाषा से होता है। और एक और चीज महत्वपूर्ण है, वह शैली। शैली का मतलब जैसे स्ट्रक्चर होता है ना घर का, तो वैसे ही कहानी का भी एक स्ट्रक्चर होता है, उसकी एक संरचना होती है। तो ये कहानी आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई। देखिए, आत्मकथात्मक का मतलब कि जो हम अपने बारे में कहें, अपनी कथा कहें, तो अपनी कथा कहने की शैली में कहानी कही जाती है, इसको मैं शैली भी कहते हैं। तो यहाँ जो कथावाचक है वो अपनी कहानी सुना रहा है। कहानी बीत चुकी है, कहानी हो चुकी है और उसके बाद वो कहानी सुना रहा है अपने बारे में। अब जब तक कहानी की भाषा सटीक नहीं होगी, जब तक कहानी की भाषा में एक रवानगी नहीं होगी, तब तक ना आप कहानी सुन सकते हैं ना कहानी पढ़ सकते हैं। तो कहानी को सुनने के लिए और कहानी को पढ़ने के लिए भी उसमें एक रवानगी होनी चाहिए और जैसा पात्र है वैसी भाषा होनी चाहिए। तो ये जो कहानी है उसकी बहुत अच्छी विशेषता है कि जैसे बहादुर है, वो बहादुर चूंकि उसकी जो पृष्ठभूमि है वो पृष्ठभूमि नेपाल की है,
हिंदी तो वो जानता है बोलना, लेकिन पुलिंग या स्त्रीलिंग का प्रयोग करना उसको बहुत मालूम नहीं है, इसलिए ज्यादातर वो पुलिंग का प्रयोग करता है। तो इस तरह की जो वाक्य संरचना है वो वाक्य संरचना अमरकांत ने इसमें बनाई है। और जो कहानी सुनाने का ढंग है वो कहानी सुनाने का ढंग बहुत ही रोचक है, बहुत ही सटीक है और बहुत ही जानदार है। इसमें जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे शब्द इसमें मिलेंगे। कुछ शब्द आपको कठिन लगेंगे, कुछ शब्द ऐसे होंगे जो लगेंगे कि हाँ ये जाने पहचाने शब्द हैं, और कुछ शब्द ऐसे लगेंगे कि हाँ जाने पहचाने तो हैं लेकिन इसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा, ये हिंदी के शब्द नहीं लग रहे हैं। तो कुछ शब्द ऐसे भी होंगे जिसको हम कहते हैं तत्सम शब्द। अब तत्सम का क्या मतलब हुआ? तत्सम का मतलब हुआ कि जो शब्द संस्कृत से सीधे चले आए हैं, जैसे गंभीर, दायित्व, स्वच्छ, काल्पनिक, अनुमान और बहुत सारे शब्द हैं जिसको आप खुद इस कहानी से छाट सकते हैं। दूसरा है तद्भव। अब संस्कृत के बहुत सारे शब्द जब हिंदी में आए तो उनका स्वरूप थोड़ा बदल गया और उसको हम तद्भव कहने लगे, जैसे आंख, जैसे पुराना, जैसे भाई बहन, ये सब संस्कृत में इनके लिए अलग से शब्द मौजूद है। और एक जैसे बहुत सारे लोक के शब्द हैं इसमें, और लोक के जो शब्द हैं, जैसे इसमें शब्द है मकलाना, जून, चकित, बसखट, तीता, और ये सारे शब्द हैं जिन सारे शब्दों के अर्थ शायद हम न जान पाए। तो ये शब्द स्थानीय शब्द हैं, गोरखपुर के आसपास के बोले जाने वाले शब्द। कुछ ऐसे शब्द भी मिलेंगे जो उर्दू से आए हैं, कुछ ऐसे भी शब्द मिलेंगे जो अंग्रेजी से आए। तो ये सब अंग्रेजी के आगत शब्द हैं जो हिंदी में शामिल हो गए हैं। और इस कहानी में भी उर्दू के कुछ शब्द आए हैं, फारसी से उर्दू होते हुए, हिदायत, फरमाइश, तकलीफ, तो ये हिंदी के शब्द हैं। अब हिंदी ने इन्हें अपना लिया है और हम रोजमर्रा की भाषा में इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। भाषा के निर्माण में मुहावरों का बड़ा इस्तेमाल होता है। हम आम जिंदगी में मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं और पता ही नहीं चलता है, जैसे हाथ बटाना, जैसे माथा ठनकना, ये कुछ मुहावरे हैं जिनका अर्थ उनके भीतर से निकल जाता है जब आप कहानी पढ़ेंगे। तो ऐसे ही कई मुहावरे इसमें आए हैं जो इस कहानी की भाषा को रवानगी प्रदान करते हैं। और हर कहानी का एक उद्देश्य होता है, एक प्रतिपाद्य होता है, जैसा कि मैंने आपको आरंभ में ही बताया। इस कहानी का भी एक उद्देश्य है, कई उद्देश्य हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख बिंदु है वो ये है कि मनुष्य को मनुष्य समझना चाहिए। और दूसरा ये कि जब हम किसी को अपने काम में लगाते हैं तो उसे निश्चित रूप से हमें उसे एक मानवीय व्यवहार करना चाहिए उसके साथ। और इससे जो निष्कर्ष निकलता है, जो इससे बिंदु सामने आते हैं, वो ये कि हमें ये देखना चाहिए कि जो हमारे यहां बाल श्रम के कानून बने हैं, कहीं हम उनका उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं, कहीं बहादुर जैसे बच्चे को हम अपने यहां काम पर तो नहीं लगा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो निष्कर्ष मैं देना चाहता हूं इस कहानी का, कि बहुत ही संवेदनशील तरीके से इस कहानी में एक छोटे से बच्चे की संवेदना से हमें जोड़ा गया है, और उस संवेदना से हमारे अंदर यह भाव पैदा होता है कि कभी भी किसी भी गरीब बच्चे से या किसी बच्चे से श्रम नहीं करवाना चाहिए, उन्हें पढ़ने लिखने का मौका देना चाहिए। और यदि आप अपने घर में किसी को काम करने के लिए रखते हो, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो या किशोर हो, उस पर झूठे आरोप नहीं लगाइए। इसलिए कि वो आपके यहां काम करता है इसलिए वो चोर होगा, वो गरीब है इसलिए चोर होगा, ऐसा नहीं है। ये हमारी संवेदना इस कहानी को पढ़कर ये हम समझें, हमारी संवेदना का विस्तार हो, तभी इस कहानी का या किसी भी कहानी का
उद्देश्य पूरा हो सकेगा। मानवीयता सबसे बड़ा धर्म है, मानवता सबसे बड़ा कर्म है, और उसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि जो गरीब बच्चे हैं उन्हें उनकी हमें मदद करनी चाहिए, उनके प्रति केवल सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए बल्कि समानुभूति भी होनी चाहिए। इस कहानी को पढ़कर केवल सहानुभूति नहीं होती है, समानुभूति होती है। दोनों में अंतर यह है कि जब हम सहानुभूति कहते हैं तो उसके प्रति हमारे मन में दया उत्पन्न होती है, लेकिन जब समानुभूति कहते हैं तो हम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, हम उसे अपना समझने लगते हैं। तो इस कहानी से, बहादुर नामक कहानी से, हमारे मन में एक समानुभूति पैदा होती है, और इसीलिए यह कहानी महान है। और चूंकि हम अपनी संवेदना के द्वारा बहादुर से पूरी तरह जुड़ जाते हैं और हमारे भीतर एक पवित्र विचार, एक पवित्र ख्याल उत्पन्न होता है, और इसीलिए पाठक को यह कहानी अच्छी लगती है, श्रोता को ये कहानी अच्छी लगती है। उम्मीद है आपको भी ये कहानी अच्छी लगी होगी। इसे पढ़िए, सुनिए और विचार कीजिए कि इस कहानी से क्या निकला है। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपने नए वीडियो के साथ आ चुके हैं क्लास 10।